यूपी के शाहजहांपुर जिले में बच्चों को निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए पीसीबी वैक्सीन लगाई जाएगी। शाहजहांपुर में 88,000 बच्चे लाभ उठाएंगे। डॉक्टर शैलेंद्र ने बताया कि यूआईपी के तहत लगने वाली पीसीबी वैक्सीन पूरी तरह से फ्री है। दूसरे टीकों की तरह ये भी सभी केंद्रों पर लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वैक्सीन को उत्तर प्रदेश के 19, बिहार के 38, राजस्थान के 9 और संपूर्ण हिमाचल में शुरू हो चुका है। 2015 में एक साल में 10 लाख बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें भारत में 2 लाख बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 12 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए इस टीकाकरण को 29 मई से शुरू किया जाएगा। जो शाहजहांपुर जिला है उसमें 29 तारीख से जो है न्यूमोकोकल वैक्सीन का जो है इस्तेमाल जो है शुरू किया जा रहा है। तो ये पत्रकार बंधुओं को इसलिए कि पब्लिक में अवेयरनेस आए कि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि पहले गरीब जनता जो है वो प्राइवेट में ही चलती थी, तो वो लोग इसको जो है नहीं सुविधा नहीं थी। अब ये जो है गवर्नमेंट ने अपने इसमें सेक्टर में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो अब लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग इसको जो है आम जनता तक पहुँचाएं, जिससे कि इसका लाभ सब गरीब जनता को मिल सके। किस तरीके की वैक्सीन है और क्या लाभ मिलेगा इन बच्चों? ये निमोनिया की वैक्सीन है। ये जो न्यूमोकोकल वैक्सीन, ज्यादातर जो नवजात शिशु के पास जो निमोनिया की बीमारी हो जाती थी उससे ज्यादातर बच्चे मर जाते थे, तो इसके बाद लगने के बाद इससे ये बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अन्य देशों में भी इसका प्रयोग हो चुका है और सभी जगह जो है वहां पर जो है डेथों को बचाया जा चुका है, इसलिए इंडिया में भी ये इंट्रोड्यूस की गई है और इसको जो है पब्लिक ने जो है सभी जगह लगाया जाए। कब से शुरू की जाएगी वैक्सीन? 29 मई से पहले यहाँ जरा शाहजहांपुर जिले में शुरू की जा रही है। कितना लक्ष्य शाहजहांपुर को मिला है? 88,000 जो है यहाँ का लक्ष्य है। पूरी जो जितने भी बच्चे हैं 1.5 महीने, 3.5 महीने और 9 महीने पर बूस्टर लगेगा। ये 3 डोजेज है इसकी और इससे कम्प्लीट जो है न्यूमोकोकल जो बैक्टीरिया है उससे बचाव होगा।